गूगल टाइम इन इंडिया 1:31 टाइम देख लो, ऊपर देख लो, और मुझे फॉलो करते रहो। रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बाकी काफ़ी अंदर मैं आ चुका हूँ। अब मुझे थोड़ा सा फॉलो करो और ऊपर की रोशनी से उजाला, खैर नीचे पता चल रहा है, तो मैं आपको अब रास्ता दिखाऊंगा क्या है, फिर लोकेशन के बारे में बताऊंगा और पूरी जगह के बारे में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना। तो आपके सामने इस टाइम पे सिर्फ शायद जंगल, बड़े बड़े पेड़ सिर्फ यही दिख रहे होंगे। आगे आते रहो आप। पूरी तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं, और पूरी तरफ आप देख लो, हर जगह झाड़ी झाड़ी है और कुछ भी नहीं है। और ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है, सामने देखो कुछ भी नहीं है, पूरा रास्ता सुनसान है, एक हाईवे पे रास्ता है पूरा। और यहाँ की ऐसी कहानी है, शायद आप सोच के हैरान हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इस लोकेशन में क्या, ये जंगल नहीं है सिर्फ एक छोटा सा, एक ऐसा रास्ता जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, आने से डरते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये एक रोड है, आप देख सकते हैं ये एक रोड है, और ये पूरी रोड है, इस तरफ भी देख लो, पूरी रोड ही रोड है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आगे तक बहुत बड़ी रोड है, और इस तरफ भी दिखा दो, इस तरफ ये भी रोड है, ये रोड का डिवाइडर है, और आगे पेड़ ही पेड़ है, कुछ भी नहीं है। मैं लेके आया हूँ EMF मीटर, जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है। ये पूरा रास्ता अराउंड 0.5 किलोमीटर तक है, और यहाँ की जो कहानी है मैं आपको बता देता हूँ। मैं हूँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट में मचरोली गांव के पास, एक रोड जहाँ पे जाने से लोग डरते हैं, इस रोड से निकलने से डरते हैं। क्यों? वो कारण ये है कि यहाँ पे रात के टाइम पे काफ़ी सारे मर्डर हुए हैं, काफ़ी सारे रेप हुए हैं, काफ़ी सारी ऐसी अनसर्टेन डेथ हुई हैं, जिसकी वजह से इस रोड को बंद कर दिया गया। और आपको बता देता हूँ, मैं ये पूरे हाईवे के पास में, बहुत से लोगों को नहीं पता, ये इसलिए मुझे पता चला क्योंकि आकाश का गांव यहाँ पास में ही है, ये हरियाणा से बिलोंग करता है आकाश, जैसे कि कई लोगों को अगर पता हो इसकी लैंग्वेज, जो आजकल कैमरा होल्ड करता है मेरा। तो आपको बता देता हूँ, इस रास्ते पे जाने से हर कोई डरता है, यहाँ से कोई नहीं निकलता। आप मेरे को फॉलो करो, मैं आपको देखते रहोगे, आपको मैं रास्ता भी दिखाता रहूँगा। पूरे रास्ते पे देखो कोई भी नहीं है, बहुत दूर दूर तक ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है। और आप ये सोचो कि रात को आने में कितनी तकलीफें होती हैं यहाँ पे। चलो भूत का डर, कोई आत्मा, कोई साया, इसका डर ना हो, पर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की, मैं इधर उधर फिर भी ध्यान रख रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है यहाँ पे, कुछ भी हादसा हो सकता है। और आपको मैं बता देता हूँ, हम सिर्फ दो ही जने आए हैं, कोई भी नहीं है। मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, बताते हैं कि आवाज़ें आती हैं यहाँ से, बताते हैं यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है लोगों की काफ़ी ज़्यादा। आप देख सकते हैं सामने बड़े बड़े पेड़ हैं, आप चलते रहिए। और मैं जानना चाहता हूँ, इस तरफ आ जाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसी शक्ति है जो मुझे टच कर सकती है या मुझे परेशान कर सकती है, तो मुझे करे।
रात का टाइम है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है काफ़ी दूर, बहुत बड़ी हाईवे पे, तो शायद ये उसकी आवाज़ आ रही होगी जिस लोगों को आपको आई हो। और अब हम यहाँ पे ईएमएफ मीटर रखते हैं, और पेड़ से वैसे कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, इधर रख देते हैं ईएमएफ मीटर, लाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ी सी जलाते हैं। और काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पे आपके हाथ में क्या होता है ब्लू कलर का, तो ये मास्क है जो मैं पहनता हूँ। तो मैं मीटर को ऑन कर देता हूँ, इस मास्क के साथ रख देता हूँ, थोड़े से इसको दूर ले जाते हैं, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे हूँ अकेला बिल्कुल, ऐसी कोई भी शक्ति कोई भी चीज़ मुझे यहाँ आके परेशान कर सकती है, परेशान मतलब मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील करा सकती है इस मीटर के थ्रू। अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा है जो इसके आसपास रोड के रहता हो, वो इस मीटर के पास आए और मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील करा सकता है। मैं यहाँ पे ये जानने आया हूँ कि क्या ये रोड वाकई हॉन्टेड है, क्या ये रोड वाकई डरावनी है, क्या लोग इस लोकेशन के बारे में, इस रोड के बारे में जो बोलते हैं क्या वो सच है। मुझे ये जानना है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर कोई भी यहाँ पे है तो अपने होने की प्रेजेंस फील कराए, इस मीटर के पास आए और मुझे मुझे इस मीटर के पास आके बत्ती जला के दिखाए। अगर कोई भी यहाँ पे है तो इस मीटर के पास आ सकता है, और अगर आप आओगे यहाँ पे तो इस पे बत्ती जलेगी और आपके होने की प्रेजेंस मैं फील कर सकूंगा। अगर कोई भी ऐसा है यहाँ पे, कोई भी शक्ति, क्या कोई औरत है यहाँ पे, अगर कोई औरत है तो यहाँ पे आए इस मीटर के पास और मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील कराए। मैं वादा करता हूँ मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से चले जाऊँगा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी यहाँ पे है तो इस मीटर के पास आए और मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील कराए। अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे आसपास हो, मुझे इस मीटर के पास आइए और अपने होने की प्रेजेंस फील कराइए। देखिए, डरिए नहीं, मैं आपको ना कोई नुकसान करूँगा, ना आपको यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोलने आया हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या जो लोग यहाँ पे आने से डरते हैं क्या वो सही हैं, क्या उनका कहना सही है कि आप में से कोई है यहाँ पे जो उन्हें परेशान करता है, और परेशान करता है तो क्यों करता है, और उस चीज को जानने के लिए मैं यहां पे आया हूं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि कोई है यहां पे, पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं जो कि हाईवे पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफी दूर, और रोड है बड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि वो उसकी आवाज़ होगी, और कुछ कुत्तों की और कुछ अलग अलग जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसे इग्नोर करना। लेकिन अगर कोई भी यहाँ पे है तो मुझे इस मीटर के पास आके दिखाए, डरना मत, मैं आपको कोई हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरा आने का मकसद कुछ गलत नहीं है, और मेरे को भी आप हार्म ना पहुंचाएं,
आने से पहले, पर मुझे वादा करना कि आप कुछ यहाँ पे गलत नहीं करेंगे। क्या मैं यहाँ रुकूं? क्या आप चाहते हैं मैं यहाँ पे रुकूं? मुझे बताइए। मैं इसको बंद कर दूंगा, मैं और आगे आता हूँ, मैं इसको बंद करके आगे की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप अगर बता सकते हैं कि आप यहाँ पे हैं तो मुझे प्लीज़ इस मीटर के पास आके दिखाइए। आप में अगर हिम्मत है तो इस मीटर के पास आके मुझे दिखाइए। शायद यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये पेड़ की आवाज़ है, यहाँ पे कुछ पक्षी उड़ रहे हैं जिस वजह से आवाज़ आई हो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई भी यहाँ पे है तो मेरे को अपने होने की प्रेजेंस फील करा सकता है। इस जगह के बारे में आपको मैं और बता देता हूँ कि इस हाईवे पे, इस रोड को आज से नहीं कम से कम 13-14 साल से बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी डेथ, इतने रेप, लड़की की छेड़छाड़, लड़कियों की डेड बॉडीज यहाँ पे मिली हैं। और इवनली हमें भी आने के लिए मना किया था यहाँ पे। हाँ, जैसा कि आकाश ने कहा हमें आने के लिए मना किया था, इसके घर वालों ने मुझे बोला कि बेटा ये काम आप मत करो, वहाँ पे जाके कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। तो मैंने बोला कि मेरे पास वैसे तो सारी सेफ्टीज रहती हैं, बट अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई एनर्जी होगी, तो अंकल मैं इन चीज़ों से डील कर लेता हूँ। तो मेरा ये कहना था उनसे, मैं मीटर बंद कर देता हूँ, मैं भूल गया था मीटर बंद करना। बट देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे शायद कोई एनर्जी आज नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर एनर्जी प्रेजेंट हो, हर एनर्जी बात करना चाहती हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि यहाँ पे वाकई कुछ हो। ये देखो छिपकलियाँ हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, दिख रही होगी वो येलो ग्रास है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको क्या दिखाना है। बस यही डर रहता है यहाँ पे आने का कि यहाँ पे कोई स्नेक, कोई इंसेक्ट ना हो। बहुत सारी छिपकली हैं यहाँ पे, थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वाकई इतना बड़ा रास्ता है कि यहाँ शायद ये रास्ता ख़त्म ना हो, ये वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि अब देखो यहाँ पे ये रास्ता थोड़ा ब्लॉक भी है, थोड़ा सा आगे की तरफ, इस तरफ से काफ़ी घने वो भी है, बट उधर जाने कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्राई करते हैं, आगे चलने का शायद से चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। आप जितने भी झज्जर के यहाँ के लोग हैं, या जिनको पता है यार, जिनको नहीं भी पता, कई लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि हर कोई मेरे से पूछता है आपको लोकेशन कौन बताता है, तो मुझे आप में से कोई सब्सक्राइबर, कोई फॉलोअर मेरे इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे मुझे बता देता है। आज हमें बताई नहीं गई थी। हाँ हाँ, ये आज हम बैठे हुए थे जब हमें बताया गया कि हमारे बैठे हुए थे, हम यहाँ पे रोड पे, हमने उन्होंने बताया कि ऐसा रोड है। हाँ, उन्होंने बोला कि एक ऐसा रोड है और बहुत हॉन्टेड है वो। हालांकि उन्होंने तो भयानक वर्ड यूज़ किया कि ये भयानक जगह है, यहाँ पे जाना अच्छा नहीं, मतलब कुछ जाट लगे मुझे बता रहा है वहाँ जाके क्या करेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, मर जाएगा, ये हो जाएगा तेरा संग, नू अकेले को जाने नू जाइए मन्ना भाई, ऐसे जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, मेरे को आती है हरियाणवी, मैं समझ भी लेता हूँ, बोलता थोड़ा कम हूँ, इतना नहीं है। और थोड़ी और आगे चलते हैं, आ जाइए।
तो ये एक डिवाइडर होगा उस टाइम पे जो बनाया होगा, ये देख सकते हैं आप। और इधर आइए, अब एक ये रास्ता जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, देखिए आगे एक रास्ता जा रहा है, ये ब्लॉक कर रखा है, ये रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो आ जाइए, आ जाइए, वापस आ जाइए। तो मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना किया जाए, बहुत देर से ये वीडियो सिर्फ एक छोटी सी रोड जो इतनी हॉन्टेड है। आकाश बार बार लाइट इसलिए ऊपर नीचे कर रहा है क्योंकि कुछ कीड़े लग रहे हैं, इंसेक्ट्स लग रहे हैं बार बार। ये एक छोटी सी जगह, एक रोड, मतलब छोटी जगह तो नहीं है, इस जगह को बंद कर दिए एक अराउंड 70 से 80 फीट तक, 70 से 80 फुट तक का ये रोड था जिसे बंद कर दिया गया, सिर्फ इस कारण कि यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी होने के तो 100% चांसेस होते होंगे। बट मेरा ये कहना है कि देखो थोड़ा सा ना ऐसे एरियाज़ में ना अगर शायद किसी की गलती से भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको भी लोग भूत का नाम दे देते हैं, आत्मा का, साया का नाम दे देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो मेरा यही मोटिव होता है, मैं हमेशा क्लियर करके रखूं वीडियो में कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई एनर्जी का आप कह सकते हैं हाथ हो जिसकी वजह से किसी की डेथ हुई हो। शायद हो सकता है किसी को कार्डियक अरेस्ट आया हो यहाँ जंगल में, मतलब इस रास्ते में, हो सकता है किसी के साथ किसी ने जो भी अलग अलग यहाँ पे कोई से मर्डर भी हुआ होगा तो उसको भी लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे उसकी आत्मा होगी, आत्मा होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। देखो मेरा ये मानना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम किसी भी घर में रहते हैं तो आप ये समझो कि पुराने टाइम पे चलिए, जैसे कि 17वीं सदी में चलिए, 18वीं सदी में चलिए, 16वीं सेंचुरी में चलिए, जो भी है, तो आप ये सोचिए कि उस टाइम भी हमारे एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं वो कहीं ना कहीं तो डेथ होती रहती होंगी। तो ज़रूरी थोड़ी है एनर्जी वो हार्म पहुँचाए। और आज को आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये लाइट बार बार चेंज क्यों हो रही है, ये एक्चुअली थोड़ा सा ना मूवमेंट हो रही है ना, मेरे इंसेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, अकेले शूट करने में बड़ा मुश्किल होता है, मेरे पास कोई लाइटमैन भी नहीं है, अभी मैं लेके भी नहीं आता एक्चुअली, क्योंकि हर कोई डरता भी आने से। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, आपको पता है भगवान वाकई है, अगर भगवान नहीं होता तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखती, जैसे कि हमारी आँखों पर एक पर्दा डला हुआ है, उस पर्दे को भगवान ने दिया है एक शक्ति के रूप में, और आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पर्दा हमारी आंखों से हट जाएगा ना तो हम इस जगह पे खड़े भी नहीं हो सकते। आत्मा ही आत्माएं या एनर्जीज, मैं आत्मा कहूँ या एनर्जीज, आपको ऐसी कोई ना कोई चीज़ दिखती रहेगी, वो वाकई वो हकीकत है, वो लिखा, वो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। और जो काफ़ी लोग ये बोलते हैं ना कि भाई भूत वूत नहीं होता, हमें इस चैनल वालों ने ये बोला है, ऐसे बोला है, वैसे बोला है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनके कोर्स का नाम भी सिर्फ भूत विद्या है। अब चाहे वो कोर्स में कुछ भी पढ़ा रहे हों लेकिन उन्होंने एक भूत वर्ड का यूज़ किया है, तो भूत विद्या वर्ड के सर्टिफिकेशन वाले कोर्स भी होने लग गए हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ और क्या आपको समझाऊँगा, बाकी वो तो आपकी समझ है, आप माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी, मैं तब मानता हूँ जब मैं यहाँ पे इसके थ्रू किसी से कनेक्ट कर पाता हूँ। और भी इक्विपमेंट्स हैं वो अभी नहीं आ पा रहे उसके लिए सो सॉरी, और बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, मैं इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ये भी रीज़न है। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़, हर वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और ज़रूरी नहीं है हर लोकेशन में कुछ ना कुछ हो, ये लोकेशंस हॉन्टेड ऐसी ही होती हैं, यहाँ की कहानियाँ ऐसी ही होती हैं, कुछ ज़्यादा कहीं कुछ और, बस कुछ पुराना हो जाता है, कुछ नया हो जाता है, बस यही होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतने सब्सक्राइबर जल्दी पहुँचाए, मैं सच में आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और सर्दी आ गई है, शायद गांव वाले एरिया में ऐसे ही होता है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, तो बस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, स्नैपचैट पे फॉलो कर लेना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आज बार बार बोल रहा हूँ यार, क्योंकि
एक लाख सब्सक्राइबर करवाओ। आपके हाथ में हर कोई इंसान अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे स्टेटस पे मेरे चैनल का लिंक लगा देगा तो शायद सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेंगे। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए चलते हैं फिर घर की तरफ और टाइम भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इतना ही टाइम दिखा देता हूँ। आकाश ने तो अपनी मेरी फोटो भी लगा रखी है, देख लो 1:52 हो चुके हैं, टाइम सेम वही है। ओके ओके बेस्ट, ठीक है ना। तो चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।